प्रभु से खास बात मीन्स कि आप पर प्रभु की कृपा है, परमेश्वर की, ईश्वर की, और आप फ्री ज्ञान दे रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, तो आप प्रभु का स्वरूप है। हमारे साथ मौजूद है सीए हितेश साहब और सीए भद्रेश साहब, दोनों आज जो टॉपिक लेकर आए एक्सक्लूसिव अकाउंट एंड ऑडिट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। सर ये सब्जेक्ट बड़ा एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट और आज लेके आए, तो हमने एक नई सीरीज शुरू की है। पिछले आने वाले 2-3 महीने तक हम जो सीए कम्युनिटी है, सीए जो एक्सपर्ट है, उन लोगों को लेके आएंगे यहाँ पर, एक मॉडरेटर, एक एक्सपर्ट कीनोट स्पीकर, और आपके साथ एक सब्जेक्ट शेयर करेंगे जो उस सब्जेक्ट पे आप अवेयर हो और एजुकेट हो। तो आज हम ये सब्जेक्ट लेके आए हैं प्रभु से खास बात में। मैं आप इन दोनों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, इन दोनों हस्तियों का स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत लाइन के साथ में, कि जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्त लेके आती है। शर्त मतलब सवाल। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्त लेके आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देके जाती है। तजुर्बे मतलब उस शर्त का जवाब। तो आज हम ये तय करेंगे, आज हम आप कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में तमाम जो लोग हैं, कि किस तरह से अकाउंट एंड ऑडिट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन अनुशासन में होना जरूरी है। और एक कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 1963 जो मोपा और कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लॉ बना, तो वो एक डिसिप्लिन करता है कि आप समाज में, सोसाइटी में, सरकार के साथ में रहे, तो आपको एक विधिवत चलना पड़ेगा, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इसलिए अकाउंट एंड ऑडिट हाउसिंग सोसाइटी को कंपलसरी, और उससे आप किसी भी सवाल का जवाब आपके मेंबर्स को दे सकते हैं कि ये अकाउंट एंड ऑडिट है और ये सर्टिफाइड ऑडिटर के थ्रू होता है। तो आज हमारे साथ दोनों स्पीकर से, स्पीकर के साथ मैं तारुफ करा दूँ, सीए हितेश शाह है, जो खुद का इनका फर्म है। सर फर्म का नाम क्या है? हितेश शाह एंड एसोसिएट्स। हितेश शाह एंड एसोसिएट, और ये पिछले 38 ईयर 38 साल का अनुभव है साहब को, और चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जाम भी बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन, और वो 38 साल का अनुभव है, तो बड़ा अच्छा अनुभव है इनका सर का। और ये अकाउंट हाउसिंग सोसाइटी और काफ़ी सारे अन्य विषय पर अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं, और आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए, इनका स्वागत करता हूँ। सीए भद्रेश साहब, पिछले 15-16 सालों का अनुभव है इनको, और ये इनकी पर्सनैलिटी बड़ी भोली भाली और डिसेंट और क्यूट दिखती है, लेकिन इनको भी 15 साल का एक अच्छा अनुभव है। तो ये एज ए मॉडरेटर आज हमारे इस इम्पोर्टेंट एपिसोड को 182 एपिसोड है सर, 182 मतलब 3 साल के ऊपर, ये चौथा दिसंबर में 4 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे हमको। इस लाइव शो में हम गौतम चटर्जी साहब, जो महारेरा के फाउंडर हुए, हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बड़े पदों पर रहे, वो आके गए, गोपाल सेट्टी साहब, दरेकर साहब, और काफ़ी श्री प्रसाद परब साहब, ऐसे अच्छे अच्छे एडवोकेट अमित मेहता, तो आज आपकी भी बारी है सर। और ऐसे हम चाहेंगे आपसे कि ऐसे लोग आते रहें आप, तो लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अवेयर हों और एजुकेट हों। ये प्लेटफॉर्म सीए रमेश प्रभु जी जो हैं, वो महासेवा के चेयरमैन हैं, और उनके साथ में मैं MNS मीडिया न्यूज़ सर्विस का चीफ एडिटर चेयरमैन हूँ। तो हम दोनों ने मिलकर ये गठबंधन किया कि लोग किस तरह से अवेयर हों और एजुकेट हो इस प्लेटफॉर्म के जरिए घर बैठे। तो ये YouTube पे जो तमाम लोग हमारे देखते हैं, हम उनको 1-to-1 आप लोगों के नंबर के थ्रू और महासेवा के नंबर के थ्रू सलाह भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं। तो दोस्तों इस सिलसिला शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अवेयर करेगा, एजुकेट करेगा। आपके जो सवाल हैं, एक ब्रेक के बाद हम, जब ये इनका लेक्चर हो जाएगा इस सब्जेक्ट पर, उसके बाद हम सवाल भी लेंगे आपके, तो आप इत्मीनान रखिएगा, सवाल भी काफ़ी सारे जो सवाल आएंगे वो भी लेंगे आप, और आपके सवालों के जवाब तो पहले इनका जो लेक्चर होगा, इनका प्रेजेंटेशन होगा, उसमें मिल जाएंगे। तो मैं आगे बढ़ते हुए अकाउंट एंड ऑडिट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर के बारे में क्या सब्जेक्ट है, और किस तरह से लेमेन, एक आम आदमी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाला, कैसे मैनेजिंग कमेटी, तमाम लोग कैसे अवेयर हो सकते, एजुकेट हो सकते, इसकी बागडोर के लिए मैं चाहूँगा एज ए मॉडरेटर सीए भद्रेश शाह जी, प्लीज़ वेलकम सर, आप इस आज के सेशन को स्टार्ट करें, प्लीज़ वेलकम सर। यस, थैंक यू सर, काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है आपका, हर बैठे बैठे सोसाइटी से हम सबको जुड़ सकते हैं और सबको ज्ञान मिल सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो हितेश भाई, आई वुड लाइक टू नो के हम जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, उसके क्या इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं, किस तरह से अकाउंट्स कंप्लीट होने चाहिए, उस पर आप थोड़ा हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा इलोबरेट करें। हाँ भद्रेश जी, एक तो ये सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कॉमन अवेयरनेस ऑन दी अकाउंट्स हमें देना चाहिए, तो वो तो ये ऐसा है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो एक मीनिंग है, जो पहले वो हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ कोऑपरेटिव। तो एक कोऑपरेटिव इज़ एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बेसिकली दे आर यूनाइटेड वॉलंटरिली
टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस थ्रू अ जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। अब आपको मालूम है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इलेक्शन होता है और मैनेजिंग कमेटी उसे पूरे साल भर फंक्शन करती है और आयात निकास के जैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेंटेन करती है। दे आर कलेक्टिंग दी कॉमन मेंटेनेंस फ्रॉम दी मेंबर्स एंड दे आर स्पेंडिंग ऑन दी कॉमन एमिनिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सोसाइटी सिक्योरिटीज, दैन द स्टाफ एंड वॉट एवर लाइक यू नो कॉमन एरियाज विच आर टू बी मेंटेन फॉर द सोसाइटी, वो मेंटेन करती है, यानी कि वो खर्चा करती है। तो जब आय आती है और आय का खर्चा हो जाता है, इसकी एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो एकदम सिस्टमेटिकली हो, डेमोक्रेटिकली हो और वो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। उसमें कोई मतलब अपने को क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, ऐसा वाला अकाउंट्स बनना चाहिए। तो ये अकाउंट्स सालाना बनना चाहिए, एवरी ईयर पीपल आर प्रिपेयरिंग देयर अकाउंट्स। जैसे अप्रैल से लेकर मार्च एंड का अकाउंट्स बनता है, अकाउंट्स बनाने के भी एक प्रावधान किया है कि भाई 4 महीने के अंदर अंदर ऑडिट भी करा लेना चाहिए, दैट्स ऑलवेज। बट अल्टीमेटली जब अकाउंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है तो इसको एक ऑडिट कराना है। तो ऑडिट कराने के पहले क्या होना चाहिए, दैट इज़ वन। एंड सेकेंडली वी विल सी व्हाट आर द प्रोविजंस, कि भाई क्या क्या प्रोविजंस है कि जो एक अकाउंट्स के अंदर में देखना चाहिए। तो एक छोटा छोटा करके एक प्रोविजंस देते हो कि भाई महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 जो है उसके अंदर में ज़रा सर्टन सेक्शंस जहाँ पे कुछ ना कुछ बारीकाई से लिखा है कि जिसको हमें फॉलो करना है। जैसे कि सेक्शन 64 है कि फंड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, फंड्स हैज नॉट बी, सो नो पार्ट ऑफ द फंड्स अदर देन द डिविडेंड इक्विलाइजेशन ऑफ द और द बोनस इक्विलाइजेशन फंड्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी शैल बी पेड बाय वे ऑफ बोनस और डिविडेंड और अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, यानी कि सोसाइटी अगर कलेक्ट करती है मेंटेनेंस और खर्चा करने के बाद प्रॉफिट जो रह जाता है जिसे हम नॉर्मल कोर्स में सरप्लस बोलते हैं, तो सरप्लस हमें बांटना नहीं है किसी को। Cannot distribute by way of a dividend in case of only cooperative housing society. Of course, if there is a cooperative bank which is a cooperative society, वो तो दूसरे activities से कमाती है तो वो dividend देती है, but ये cooperative housing society cannot distribute their profits by way of dividends. Second है ascertainment of the net profit है, वो जो करने के बाद a society has to construct its annual accounts. After that, society has to appropriate its net profit. जो नेट प्रॉफिट बनता है यानी कि सरप्लस, तो उसको अप्रोप्रिएशन किया जाता है और उसको अप्रोप्रिएट करना चाहे चाहे आप कोई रिजर्व फंड क्रिएट करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक फंड क्रिएट करना चाहते हो, तो आप उसको अप्रोप्रिएट करोगे। और लास्ट में एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है सेक्शन 66 में है, सेक्शन 66 में है कि 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट यानी कि 1/4, सेक्शन सेज दैट कि 1/4 ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर हैज टू गो टू रिजर्व फंड। यानी अगर आप प्रॉफिट में हो, बैलेंस शीट आपकी प्रॉफिट में हो, तो वो साल में पक्का अगर आपका 10,000 का प्रॉफिट है तो 2,500 रुपये आपको रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना ही करना है। और जो साल में आप व्यक्तिगत रूप से डेफिसिट में हो, लॉस में हो, तो ये प्रोविजंस नहीं करना है। देन वी विल सी एक अच्छा सा एक प्रोविजन है सेक्शन 68 में, अकाउंट्स पे प्रोविजन है इसके बारे में। नहीं तो इस पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने सुना कि एजुकेशन फंड करके भी एक फंड मेंटेन करना होता है जी, तो वो क्या कंपलसरी है और उसमें कितना फंड अपने को शिफ्ट करना पड़ेगा? जैसे आपने बताया कि कुछ अमाउंट आपको शिफ्ट करना पड़ता है, तो एजुकेशन फंड में भी इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट है और ये कंपलसरी हर सोसाइटी को मेंटेन करना है? भद्रे जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है एजुकेशन फंड के बारे में। पुराने जमाने में ऐसा था कि एजुकेशन फंड के नाम पे 2-3 रुपया पर मेंबर कलेक्ट करके हमें डिप्टी रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता था चेक बना के टुवर्ड्स द एजुकेशन फंड एंड वी यूज टू कलेक्ट। अभी जो नया प्रावधान आया है वो प्रावधान ऐसा है कि आपको हर एक मेंबर से 10 रुपया पर मंथ वो आपको एजुकेशन फंड के हिसाब से कलेक्ट करना है। और कलेक्ट करना है मतलब ये कलेक्ट अगर आप अलग से नहीं कर रहे हो तो कोई वादा नहीं, आपका जो जनरल मेंटेनेंस जो आप 1 रुपी 2 रुपी 3 रुपी या 5 रुपीज पर स्क्वायर फीट लेते हो उसके अंदर ये आ गया ऐसा समझ के चल सकते हैं कि एजुकेशन फंड है। मगर अगर आप बाकायदा अलग से लेना चाहते हो, सेक्शन 68 प्रोवाइड्स दैट कि 10 रुपीज पर मेंबर पर मंथ, यानी एक मेंबर 120 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स एजुकेशन फंड। यानी कि आपकी सोसाइटी अगर 100 मेंबर की है तो 100 मेंबर के हिसाब से ये 12,000 रुपया साल का हो जाएगा। तो 12,000 रुपया जो साल का होता है वो 12,000 रुपया साल का एजुकेशन फंड के नाम पे लेने के बावजूद इसको आपको क्या करना है, उसको आपको यूज करना है। तो कहाँ यूज करना है? सेक्शन 68 सेज दैट यू हैव टू यूज दिस एजुकेशन फंड टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द मेंबर्स थ्रू देयर नोटिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। नाउ इन मुंबई में भद्रेश भाई, देर आर नंबर ऑफ नोटिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, अपनी खुद की महासेवा की भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे भी लोग आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। हर एक सोसाइटी के मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स को कंपलसरी ट्रेनिंग लेना चाहिए एजुकेशन फंड में से। ट्रेनिंग किस में लेना चाहिए? तो उनको ट्रेनिंग लेना चाहिए कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के प्रोविजन्स क्या है,
महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के अंतर्गत आपने जो बायलॉज बनाए वो बायलॉज के प्रोविजंस क्या है, क्योंकि काफी मेंबरों में अंदर अंदर झगड़ा होता है बायलॉज के बारे में कि हमारा कायदा ये बोलता है, हमारा कायदा ये बोलता है, कोई बोले पानी का कलेक्शन ऐसा करना चाहिए, कोई बोले लिफ्ट का कलेक्शन ऐसा करना चाहिए, तो दीज आर ऑल द प्रोविजंस विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन दी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एज वेल एज इन योर बायलॉज। तो अगर डिस्प्यूट है और उसको आपको सलटाना चाहते हो तो जब मेंबर मैनेजिंग कमेटी तब उसको सलटा पाएगी जब उसको खुद को नॉलेज है। तो नॉलेज कहाँ से लेंगे, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जाकर के दे कैन टेक, दे हैव टू कंपल्सरीली टेक। नाउ देर आर क्वेश्चंस भद्रेश भाई, वी हैव रेज्ड बाय मेनी ऑफ द पीपल इन माय लाइफ आल्सो दैट कि ये इसको केवल महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रोविजंस अंडरस्टैंड करने में ही खर्चा करना है कि नहीं। तो हमें नहीं, हम हर एक चीज में जहां पे मैनेजिंग कमेटी को दिक्कत है, जैसे कि अभी आप समझो कि कोई आपके सोसाइटी में हादसा हो गया और कोई पुलिस केस हो गया, तो पुलिस के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजन है, जैसे मैनेजिंग कमेटी हेल्ड इज रिस्पॉन्सिबल, उनको कभी कभी अरेस्ट भी किया जाता है, तो वो प्रोविजन सीखना है तो हम कहाँ जाएंगे। तो वो ट्रेनिंग लेने के लिए भी अगर आपकी सोसाइटी के मेंबर्स जाते हैं तो उसका पैसा आपका ये वाजिब है कि वो एजुकेशन फंड में से आप खर्चा करो, दैट इज वन। सेकेंडली, अगर आपका सोसाइटी में कोई फायर इंसिडेंट हो गया, फायर इंसिडेंट होने के बाद फायर ब्रिगेड वाले आए तो उन्होंने वेरियस प्रोविजंस बताया कि सही भैया ये होना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपके एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, आपकी मॉक ड्रिल होनी चाहिए, अगर वो सब आप नहीं कर रहे हो तो इसका एजुकेशन कहाँ से लोगे, एजुकेशन फंड में से ट्रेनिंग लोगे। अभी एक नया नया प्रोविजन आया है, जैसा कि भाई आपका सोसाइटी का बिल्डिंग अगर 40 साल पुराना है, 15 साल हो गया है, तो उसको स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना चाहिए हर 5 साल में। तो कहाँ कराओगे, कैसे नॉलेज लोगे, जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या करोगे। तो ये सब नॉलेज की इंटरनल जानकारी लेने के लिए मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को आपको भेजना चाहिए। साथ साथ में ये भी प्रोविजन है कि अगर मैनेजिंग कमेटी पीछे वाली मैनेजिंग कमेटी को या आने वाली मैनेजिंग कमेटी मेंबर जो बनना चाहते हैं उनको भी ट्रेनिंग के लिए ले जा सकते हो, दैट इज वन। सेकेंडली, 4 आदमी जाके ट्रेनिंग ले और आपकी ऑफिस में अगर सोसाइटी के ऑफिस में सुविधा है जहां पे 12 जन बैठ के ट्रेनिंग ले सकते हो तो आप कॉल फॉर द कंसल्टेंट करके भी ट्रेनिंग ले सकते हो, और इसके पैसे जो आता है वो आप 12,000 साल का जो आप कलेक्ट करते हो उसके अंदर से खर्चा करना चाहिए। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड प्रोविजन दैट मेंबर शुड गेट एडुकेटेड। बराबर है, तो ये प्रोविजन काफी अच्छा है, जिससे जो बायलॉज समझने में हर मेंबर को तकलीफ होता है, जिसके वजह से सोसाइटी में देखा गया है कि बीच में मेंबर्स झगड़े होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है कि जिससे मेंबर्स एजुकेट हो सकते हैं। और यहाँ पे भी मुंबई में भी काफ़ी जगह पे फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जैसे महासेवा ने अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। अभी जिस तरह के आपने बताया कि अलग अलग फंड सोसाइटी को मेंटेन करने चाहिए, एजुकेशन फंड और भी फंड, तो ये फंड में हमने देखा है कि सोसाइटी के पास कभी कभी सरप्लस फंड भी होता है, तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हर बैंक में वो इन्वेस्ट कर सकता है या फिर इक्विटी में कर सकता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए एज पर द रूल्स। मित्र जी, बहुत बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है कि सेक्शन ये जो आप जब फंड कलेक्ट करते हो तो उसका बेकायदा प्रोविजन जो कायदे के अंतर्गत होना चाहिए वो सेक्शन 70 है। सेक्शन 70 इन द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट प्रिस्क्राइब्स द मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो। यहाँ हालांकि यहाँ इन्होंने बोला है कि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैज़ टू ओपन अप अ बैंक अकाउंट विद अ कोऑपरेटिव बैंक ओनली एंड दे हैव टू इन्वेस्ट ऑल्सो देयर फंड्स एज मच एज पॉसिबल और लाइक इन काइंड ऑफ FDs और वगैरह विद द कोऑपरेटिव बैंक्स ओनली एंड दे हैव गिवन रिलैक्सेशन बाय द 97th अमेंडमेंट। जब आया था तो उन्होंने ये अमेंडमेंट भी बोला है कि यू कैन स्टिल इन्वेस्ट इन टू ए फिक्स डिपॉजिट विद अ नेशनलाइज्ड बैंक विद द स्पिरिट ऑफ लाइक यू नो के कोऑपरेटिव बैंकों में अगर कुछ हो गया तो क्या, तो हमारा पैसा डूब गया तो क्या। तो दिस प्रोविजन की वजह से यू कैन एटलीस्ट इवन गो टू द नेशनलाइज बैंक ऑल्सो और पार्किंग योर मनी बाय योर फिक्स डिपॉजिट्स। बट ये भी भद्रेश भाई जो आपने पूछा वो क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम से आया गया है, और वो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर हम क्या इक्विटी में डाल सकते हैं क्या। 100% इक्विटी में नहीं डाल सकते, जो जो चीज़ में जोखिम है मतलब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो इक्विटी में यू कैनॉट इन्वेस्ट, दैट इज़ वन थिंग। फिर स्टिल देर आर सम म्यूचुअल फंड्स इन द मार्केट, दे आर बोस्टिंग दैट वी आर परमिटेड एंड ऑल दैट दैट ए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कैन इन्वेस्ट इन टू। नहीं, हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी कैन इन्वेस्ट इन टू सिक्योर्ड फंड्स, यानी कि जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड है, गिल्ट एज फंड है, या ऐसे फंड के म्यूचुअल फंड भी है जो गिल्ट एज फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सर्टनली जहाँ पे इक्विटी पोर्शन मोर देन 60% होता है ऐसे वाले फंड में परमिशन नहीं है। तो अगर आप कोई म्यूचुअल फंड वाले अप्रोच भी करते हैं तो आप ये जानकारी ले लीजिए कि वेदर दैट म्यूचुअल फंड विच इज नॉट इन्वेस्टिंग मोर देन 85% मोर देन नॉट इन्वेस्टिंग मोर देन 15% इन टू इक्विटी, 85% अगर डेट में है तो वैसे वाले म्यूचुअल फंड मिला। बट सर्टनली इक्विटी जैसे आप बोलो मैं रिलायंस ले लूं, इन्फोसिस ले लूं, TCS ले लूं, ये पॉसिबल नहीं है, दैट यू कैनॉट डू इट। बेसिकली ध्यान रखा गया है कि जो मेंबर का रुपया है
वो एकदम सेफ गार्ड रहे, एकदम सेफ रहना चाहिए, सरप्लस है तो अच्छी अच्छी जगह पे रखे जहाँ पे रिस्क बहुत कम है, रिस्क कम है एग्जैक्टली। यहाँ पे अभी कंपलसरी हर सोसाइटी को ऑडिट कराना चाहिए और किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, और कितने ड्यूरेशन के लिए ऑडिटर होना चाहिए या कुछ रोटेशन पॉलिसी भी है ऑडिटर के लिए? भद्रेश जी ये क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसा है कि पहले तो हर एक सोसाइटी को ऑडिट कंपलसरी है, कोई सोसाइटी छोटी है मोटी है एग्जेम्पशंस हो गया या हमको एप्लीकेबल ऐसा नहीं है। एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर सेक्शन 81 इज रिक्वायर्ड टू गेट्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड एवरी ईयर, एंड एवरी ईयर दे हैव टू प्रेजेंट दीज ऑडिटेड अकाउंट्स इन दी AGM। अब बात आई ऑडिटर्स की कि ऑडिटर्स कौन से, तो एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ क्वालिफाइड पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर फॉर अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बट कंडीशन ये है कि ही शुड बी एम्पेनल्ड विद द रजिस्ट्रार, द डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो पैनल बनाया हुआ है वो पैनल के ऊपर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होनी जरूरी है। अगर आप रजिस्टर्ड हो वहाँ का भी एक बाकायदा नंबर दिया जाता है, वो रजिस्टर्ड पैनल नंबर होगा वही ऑडिटर कर सकता है। सो वाइल रजिस्ट्रेशन द डिप्टी रजिस्ट्रार हैज ऑल्सो प्रिस्क्राइब सर्टन कैटेगरीज, और वो कैटेगरीज के हिसाब से ऑडिटर होना, ऑडिटर होना चाहिए पक्का। एक आदमी को अगर आप ऑडिट के लिए अपॉइंट करते हो AGM में, तो ही कैन बी रिटेन्ड फॉर 3 years मैक्सिमम, 3 साल के बाद रोटेशन पक्का है। तो यू कैनॉट अपॉइंट द सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी टू कंटिन्यू एज एन ऑडिटर, इवन GDCA होगा तो भी 3 साल से ज़्यादा वो ऑडिटर कर नहीं सकता, 4th साल आपको नया ऑडिटर लेना ही लेना है। और ये ऑडिटर की रिक्वायरमेंट सारी जो है ना सेक्शन 75(2)(a) में है, देन उसके अंदर में बैलेंस शीट वगैरह बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, देन आपको आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना है, और एवरी ईयर जब आप कमिटी के बिफोर जब आप ये ले करते हो तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर के साथ नोट्स ऑन अकाउंट्स के साथ आपका मैनेजिंग कमिटी का एक पूरा रिपोर्ट होना चाहिए, जैसे लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर्स रिपोर्ट होता है। तो मैनेजिंग कमिटी पूरा अपना 12 महीने का चितार लिखता है, हमने क्या किया, क्या कैसे किया, कोई नया काम किया कि नहीं किया, कितने ट्रांसफर्स रजिस्ट्रेशन किए, सोसाइटी में कोई आपत्ति विपदा आई तो उसको कैसे हैंडल किया गया है वगैरह वगैरह वगैरह। सो द मैनेजिंग कमिटीज स्पेशली टॉकिंग रिपोर्ट ऑल्सो हैज़ टू बी लेड ऑन। नाउ एक ऑडिटर के बारे में जब भद्रेश जी आपने एक बात किया ना, तो एक कॉमनली अनअवेयर मिस्टेक जो है वो मैं वो आप पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये जो ऑडिटर्स का जो कैटेगरीज होता है वो कैटेगरी में एक छोटा सा हल्का सा एक आपका ध्यान देना चाहिए कि रजिस्ट्रार ने जो कोऑपरेटिव पैनल इस टाइम बनाया है जो दी विच इज़ रनिंग फ्रॉम 24, 25, 26 3 साल के लिए बनाया, उसके अंदर में उन्होंने कैटेगरी A1 डाला है, B1 डाला है, C डाला है। अब कैटेगरी A1 भद्रेश जी ऐसा होता है कि यहाँ पे ऐसी CA की फर्म कैटेगराइज होगी जिसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स है, मोर देन 2 पार्टनर्स वाली फर्म है उसको कैटेगरी 1 में डाला है, एंड GDCA जो गवर्नमेंट वाले ऑडिटर है उनका जिसके पास 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 5 साल हीज एक्सपीरियंस इज मोर देन 5 ईयर्स, देन ही विल कॉल्ड एज अ कैटेगरी A1। B1 कैटेगरी में प्रोप्राइटरी CA फर्म जिसके पार्टनरशिप नहीं है, एंड GDCA विद 1 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले डाले हैं। और कैटेगरी सी जो है एकदम एंट्री लेवल वाला है जिसके अंदर एनी GDCA विद 3 to 5, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले हैं, तो ये दे। अब ये प्रावधान क्यों हमें स्टडी करना है, मोस्ट ऑफ दी सोसाइटीज़ आर नॉट इवन बॉदरिंग टू व्हेन दे आर अपॉइंटिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू फाइंड आउट वेदर ही इज इन कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। अब आपको पता होगा जब सोसाइटी का ऑडिट होता है तो ऑडिट के साथ एक फॉर्म 1 और फॉर्म 28 करके मेमो दिया जाता है, और उसके अंदर में ऑडिटर इज असाइनिंग ए ग्रेड टू द सोसाइटी दैट योर सोसाइटी इज ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। So if it is a C grade, auditor can be C grade. If it is a B grade awarded, then auditor can be B grade. Okay. अगर आपकी सोसाइटी A grade की है तो योर ऑडिटर हैज टू बी A1 ग्रेड की। सो A कैटेगरी की सोसाइटी का कोई B या C ग्रेड का ऑडिटर ऑडिट नहीं कर सकता है, ये प्रोविजन है, बट मोस्ट ऑफ द सोसाइटी डू नॉट इवन बॉदर टू चेक इट अप, बिकॉज अगर आपकी सोसाइटी A ग्रेड है मतलब यू आर अ वेरी गुड एंड बिग सोसाइटी, मे बी मोर देन 100+ मेंबर वाली है, अच्छे से रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है, तो यू नीड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज अ बिगर वन, A1 मतलब मोर देन 2 पार्टनर्स वाला है वगैरह वगैरह। अब छोटा है B है तो B चल, बट दैट इज A वाला एनी कैन, A ऑडिटर है ही कैन डू एनी सोसाइटी ऑफ A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, बट C वाला A नहीं कर सकता है, B वाला A नहीं कर सकता है। सो ये एक ध्यान देने की जरूरत है, ग्रेडिंग है वहाँ पे। तो सोसाइटी की स्ट्रेंथ के हिसाब से ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है डिपेंड ग्रेड के हिसाब से। यहाँ पे आपने बोला एक 3 साल का रोटेशन पॉलिसी होता है, तो कोई भी ऑडिटर 3 साल के लिए रह सकता है। बिल्कुल। अभी उसके बाद कोई नया ऑडिटर आया उसको भी कंपलसरी हमको 3 साल रखना पड़ेगा फॉर एग्जांपल, या नेक्स्ट ईयर 1 ईयर किया और फिर से हमारा पुराना ऑडिटर हम लेके आए? क्योंकि कैसा होता है कि एक रिलेशन और रेपो भी होता है, कन्वीनियंस भी होता है। देखिए तो, ऐसा है कि ये मामले में ऐसा है कि 3 साल जिस ऑडिटर ने एक बार ऑडिट किया है उसके साथ रिलेशंस बन गया,
अब ऑडिटिंग प्रोफेशन ऐसा है कि वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन आया है दो चीज़ का, एक इंडिपेंडेंस का और एक दूसरा है ट्रांसपेरेंसी का. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर मैं किसी एक सोसाइटी में 3 साल से जुड़ा हो तो आई बिकम अवेयर ऑफ सो मेनी थिंग्स, सो देन देर इज़ अ थ्रेट ऑफ अवेयरनेस कि मुझे सब पता है तो मैं ऑडिट एकदम लाउजीली कर सकता हूँ. तो इसके अच्छा जो 3 साल का जो ब्रेक लिया उसके बाद जो नया आया है वो नया जोश है, तो नए तरीके से अगर कुछ कार्ड निकालता है तो लेट हिम कंटिन्यू फॉर अनदर 3 ईयर्स. बट कायदा डजंट से दैट कि उसको 3 साल चला, आप 1 साल रख के वापस यू कैन स्विच बैक टू द अदर वन. बट थ्रेट ऑफ फैमिलियरिटी जो है एंड लैक ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो समटाइम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. इसके लिए हम मना करेंगे कि 3 साल हो गया तो दूसरे को 3 साल रखो, अदरवाइज योर क्वेरी इज परफेक्टली रेज्ड. अगर अगला 3 साल के बाद रोटेशन कंपलसरी है तो इसका मतलब जो बेसिक जो अंदर जो फंडामेंटल अंडरलाइंग रूल था रोटेशन का वो अपन वायलेट करते हैं, एक ही साल दूसरे से करा लेते फिर वी विल स्विच बैक टू द ओल्ड. सो देर आर चांसेस दैट समटाइम मैनेजमेंट एंड ऑडिटर ऑल्सो हैंड इन ग्लो हो सकता है. तो हमें क्यों रखना है एस्पेशली. और दूसरा, कमिटी 5 साल में हर साल चेंज होती है, इलेक्शन होता है, नई कमिटी मे नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द सेम ऑडिटर. इट इज बेटर दैट गो विद द अनदर ऑडिटर फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, बट कायदा डजंट से दैट यू हैव टू स्टिक टू हिम फॉर 3 ईयर्स. ओके, तो जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो सीए को गवर्न करते हैं, तो जिसमें हमने देखा है कि काफ़ी सारी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए काफ़ी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आए हैं, तो ये सोसाइटी के ऑडिट के टाइम सीए को ध्यान रखना पड़ता है वही सब गाइडलाइंस और प्रिंसिपल का? 100% ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चंस रखा है, बिकॉज आई विल इलाबरेट ऑन दिस क्वेश्चंस फॉर टू मेनी ऑडिटर्स विच आर इन द फील्ड. अभी ऐसा है कि सेक्शन 81 जो है उसके अंदर के नोटिफिकेशन में एक 29 अक्टूबर 2014 को भी नोटिफिकेशन आया था. इंस्टीट्यूट बार बार चाहती है कि सोसाइटी के अकाउंट्स भी एक कॉमन फॉर्मेट में रिपोर्टिंग हो और उनकी एक रिपोर्टिंग स्टाइल भी कॉमन हो, सो दैट इट बिकम्स कंपेरेबल. अभी हर बंदा अपने ढंग से कोई भी बैलेंस शीट बनाएगा, हर बंदा अपने ढंग से कोई भी रिपोर्ट बनाएगा तो कोई मतलब नहीं रहता है. तो यूनिफॉर्मिटी वॉज रिक्वायर्ड टू बी थॉट. तो इंस्टीट्यूट चाहती थी कि हम काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ प्रोपोजिशंस वगैरह बनाते रहे, तो एक इंस्टीट्यूट का एक गाइडलाइंस है कभी आया रिसेंटली आया जिसके ऊपर मैं एक ये देना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट जो है वो आज तक जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना चुकी है, ऑलमोस्ट 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो ये सारे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट कंपनीज, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, LLPs एंड दैट लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज वगैरह वगैरह. बट इट वॉज नेवर सो कंपल्सरीली मैंडेटरीली एप्लीकेबल टू द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. तो इंस्टीट्यूट ने एक बार गाइडेंस निकाला कि लेट अस फॉलो ऑल दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो बाई द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. सो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में प्रोप्राइटरी कंपनी आ जाती है, इसमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी आ जाती है, वेलफेयर एसोसिएशन भी आ जाते हैं एंड ट्रस्ट भी आ जाते हैं. सो दिस दे मेड इट रेकोमेंडेटरी वे बैक इन 2022 जुलाई. But after that they said that okay, now we will make it compulsory. So now they have said from effective 1st April 2024 that all these accounting standards as much as they are applicable to a non-corporate entity will also apply to a cooperative housing society also. So very precisely I'll quickly run through certain accounting standards jo hai ke wo cooperative housing society ko bhi applicable ho jayenge. So these are all the accounting standards which are otherwise also in the market and they were available with the institute, but institute has said that okay, these are all the accounting standards are applicable from April 24. So April 24 माने 31st March 24 वाला जो अकाउंटिंग अभी ख़त्म होने वाला है, जिसका रिपोर्टिंग अभी चालू है, ये सितंबर में सबका ऑडी AGM होने वाला है, तो वो अकाउंटिंग में दीज आर ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉल्ड एज AS1 दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्लोजर ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी, AS4 विच इज कॉल्ड कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट, AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड अटेम्प्ट्स एंड चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, AS9 एज फार एज द रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज कंसर्न, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इसके साथ में अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन एंड इनकम एंड AS29 ऑन प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज लाइबिलिटीज विद दीज आर ऑल. अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होने का मतलब भद्रेश भाई कैसा है? आई मीन भद्रेश भाई आप भी ऑडिटर हो, आपने काफ़ी ऑडिट किए होंगे. देर आर एंड नंबर ऑफ स्मॉल सोसाइटीज, दे डू नॉट इवन बॉदर टू प्रिपेयर दी पेज कॉल्ड एज अ नोट्स ऑन अकाउंट्स, यानी कि बैलेंस शीट हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, ऑडिट रिपोर्ट भी 1 पेजर पोस्ट कार्ड साइज का हो गया, खत्म किया और उसको मिनट में डाल दिया. अब क्या है, ये नहीं चलेगा. कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजिंग कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे प्रिपेयर द अकाउंट्स इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्म एंड देन दे हैंड इट ओवर टू द ऑडिटर फॉर द ऑडिट. सो नोट्स ऑन अकाउंट्स में बाकायदा आपका नोट्स ये बोलना चाहिए
कि पहले तो हमारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या है, यानी कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज सपोज टू फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ओनली, कैश सिस्टम इज नॉट, तो यू हैव टू स्पेसिफाई. देन यू हैव टू स्पेसिफाई दैट वॉट एवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब बाय इंस्टीट्यूट और वॉट एवर रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब बाय द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 हैव बीन प्रॉपरली फॉलोड. देन यू हैव टू टॉक ऑफ द वेरियस अकाउंटिंग मेथड विच यू हैव अडॉप्टेड फॉर योर इन्वेस्टमेंट वैल्युएशन. इफ देर इज एन इन्वेंट्री देन इन्वेंट्री वैल्युएशंस. इफ देर इज एनी रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है आपका मेंटेनेंस कलेक्शन कैसे करते हो, आप ट्रांसफर चार्जिंग कैसे कलेक्ट करते हो, आप इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स क्या रेट से लेते हो कैसे कलेक्ट करते हो. तो वॉट एवर चीज जो आप कलेक्ट करते हो उसकी एक थियरी होती है. कॉमन इलेक्ट्रिसिटी अगर अलग से क्रिएट करते हो तो क्या बेस है आपका. सो दिस इज ऑल विच यू हैव टू स्पेसिफाई समवेयर एज योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन. एंड थर्ड थिंग इज दैट यू हैव टू ऑल्सो प्रोवाइड समवेयर एज अ प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लाइबिलिटी. यानी कई सोसाइटियों में मारामारी चलती है उनके बिल्डर के साथ, कई सोसाइटियों में मारामारी चलती है उनके मेंबरों के साथ कलेक्शन के बारे में, एंड कई मेंबरों ने सोसाइटी लोग वालों लोगों के ऊपर भी केस करके रखा होता है कि भाई हम आपके पर उसको करें. तो दिस आर ऑल द लिटिगेशन गोइंग ऑन विद द इनकम विद द सोसाइटी विच यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट समवेयर कि अगर ये लिटिगेशन फेल होगा. अभी जैसे कि आपको बता दें कोई सोसाइटी में उनका इशू आ गया ATP 2D का इंटरेस्ट का और उनको इनकम टैक्स की बहुत बड़ी नोटिस आ गई. हैव यू स्पेसिफाइड इन द नोट्स कि सोसाइटी इज अंडर गोइंग द केस विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बट देयर इज अ स्टिल कंटिजेंसी कि अगर आगे जाके हम हार गए तो को इतना लाख रुपया भरने को आएगा और इंटरेस्ट पेनल्टी भी आ सकती है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच हैज टू बी फॉर्म्ड. अभी ऑन अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन का जो AS 22 बोलता है तो आपने अगर टैक्सेशन आपका सरप्लस वाला बैलेंस शीट है और इनकम टैक्स प्रोविजन नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है. तो नोट्स में आपको लिखना चाहिए कि भाई हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, हमको इनकम टैक्स नहीं लगता है बिकॉज ये म्यूचुअल इनकम है. तो वो स्पेसिफिक जिक्र करो कि इसकी वजह से हमने प्रोविजंस नहीं किया. तो दीज आर ऑल द थिंग्स. एंड इन द केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑल्सो आई हैव हार्डली सीन एनी सोसाइटी पुटिंग अ नोट इन दैट कि वी हैव प्रोवाइडेड सो मेनी परसेंटेज ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन वाटर पंप्स पे क्या है, लिफ्ट एलिवेटर पे क्या है, सीसीटीवी कैमरा पे. अभी सीसीटीवी कैमरा आपको पता है उसकी लाइफ कोई 10 साल नहीं है तो आप उसको 10% से क्यों डेप्रिशिएट कर रहे हो. तो आप यू कैन राइट के ऐसा ऐसा है. तो दीज आर ऑल दी नोट्स ऑन अकाउंट्स विच हालांकि भद्रेश भाई वी कैन से ऑल ऑडिटर्स आर समटाइम यू नो दे आर नॉट इवन बदरिंग के नोट्स ऑन अकाउंट्स है कि नहीं, उसके बगैर साइन नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. ऑडिट और अकाउंट्स एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको सर हमारे हितेश भाई अच्छे से बता रहे हैं और भद्रेश भाई भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनका काफी अनुभव इस विषय पर.